कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या सप्लाई ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको इससे पहले जो है डिमांड फॉर एजुकेशन पढ़ाया था, और मैंने आपको ये बताया था कि डिमांड ऑफ एजुकेशन जो है वो किस लिए की जाती है। लेकिन डिमांड के साथ साथ आपको मालूम है कि जितना इम्पॉर्टेंट डिमांड का टॉपिक है, उतने ही हमारे लिए सप्लाई का भी टॉपिक है। मैंने आपको ये बताया था कि डिमांड ऑफ एजुकेशन इसलिए की जाती है क्योंकि एजुकेशन हमें रेट्स ऑफ रिटर्न देती है। एजुकेशन की एक यूटिलिटी है जो हमें रेट्स ऑफ रिटर्न देती है। जब वो हमें रेट्स ऑफ रिटर्न देती है तो डेफिनेट सी बात है कि लोग उसे लेना पसंद करते हैं और उसके लिए वो एक कॉस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एजुकेशन की जो डिमांड है, डिमांड के सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी मैंने आपको बताए थे। अब हम आते हैं सप्लाई के ऊपर। देखिए, सप्लाई का क्या मतलब है? जब हम इकोनॉमिक्स में सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो सप्लाई का मतलब होता है कि बहुत वेरियस अमाउंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक प्रोड्यूसर जो है विलिंग है सेल करने के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज कीजिए आज का दिन, आज अब जो है सेलर 100 रुपए किलो अगर सेब का रेट है तो वो कितने सेब बेचने के लिए तैयार है, कितने सेब बेचने के लिए तैयार है। तो इसको हम कहेंगे कि वो कितनी सप्लाई करना चाहता है। मान लीजिए अगर रेट गिरकर 80 रुपए हो जाता है तो वो कितने सेब बेचने के लिए तैयार है। कहते हैं कि किसी वस्तु की सप्लाई क्या होगी। तो सप्लाई जो है वो अपने आप में 2-3 चीजों को इंक्लूड करती है। पहला कि वो क्वांटिटी जो कि सेलर जो है सप्लाई करने के लिए तैयार है। दूसरा वो प्राइस जिस पर कि वो उतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। तीसरा टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी दिन जो है सेलर, मान लीजिए त्यौहार का दिन है, वो आपको अगर नॉर्मल सेब 80 रुपए किलो मिलता है या 100 रुपए किलो मिलता है तो त्यौहार वाले दिन वही सेब आपको वो 120 रुपए का दे। तो टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम पीरियड क्या है और किस टाइम पीरियड पर वो कितनी रुपीज में कोई चीज बेचने के लिए तैयार है और उसकी कितनी क्वांटिटी देने के लिए तैयार है। अब जब आप इकोनॉमिक्स में सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ते हो तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट में जो है आप ये पढ़ते हो कि सप्लाई का एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है आपका प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। जब हम आपको इकोनॉमिक्स में सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो ये देखिए, अगर हमारा 80 रुपए सेब है प्राइस इसका, तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं क्यों। अगर इसकी जो है प्राइस बढ़कर के 100 रुपए हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी हो जाती है Q1। तो दिस इज अ प्राइस, दिस इज ऑफ 80 रुपीज एंड वी आर डिमांडिंग द क्वांटिटी क्यू। और अगर जो है प्राइस बढ़ के 100 रुपए हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ती है वो है वो Q1 हो जाती है, यानी कि वो 100 रुपए पर ज्यादा सेब सप्लाई करने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह सेब का रेट और बढ़ता है तो वो और ज्यादा क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये दिखाता है कि सप्लाई और प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये सप्लाई का कर्व जो है वो कर्वेचर के रूप में मिलेगा और वो इस तरह जाता हुआ मिलेगा। इस तरह मिले या इस तरह मिले, बात एक ही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सेलर जो है उसकी सप्लाई की क्वांटिटी जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा। तो सप्लाई और प्राइस के अंदर जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब आता है कि एजुकेशन की सप्लाई से हमारा क्या मतलब है और एजुकेशन को कौन कौन सप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एजुकेशन का एक कॉस्ट होता है। हम सब जो भी एजुकेशन लेते हैं इस सब का एक कॉस्ट है और सबको जो है कोई ना कोई कॉस्ट देना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर देती है तो भी उसका कोई ना कोई कॉस्ट जरूर आता है। तो एजुकेशन का एक कॉस्ट है, इसलिए एजुकेशन के सप्लायर भी 2 तरह के होते हैं। पहले सप्लायर जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेट सप्लायर या प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सप्लायर में कौन कौन से सप्लायर आते हैं, जैसे आपके प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, ट्रस्ट के स्कूल्स हो गए, या फिर आपके प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो गए, ट्यूशन वाले हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन वाले, बायजू वगैरह हो गए। ये सारे आपके प्राइवेट प्लेयर्स कहलाएंगे जो कि एजुकेशन की सप्लाई करते हैं। दूसरी तरह का जो एजुकेशन की सप्लाई होती है वो पब्लिक सेक्टर करता है या गवर्नमेंट करती है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी सप्लायर है एजुकेशन की। जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता है वहां पर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के सप्लायर में क्या फर्क है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपको एजुकेशन की सप्लाई वहां पर करेगा जहां से प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये बात मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो केवल वो वही कोर्स लेकर आएगा अपने कॉलेजेस में जिनसे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। कौन से कोर्सेज, जैसे MBA के हो गए, MCA के हो गए,
या आपके बीटेक हो गया, मेडिकल का कोर्स हो गया, वो आपके लिए सिंपल बीए के कोर्स लेकर नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट प्लेयर वहां पर आते हैं जहां पर की जो है उनको प्रॉफिट मिलता है या उनको फायदा होता है। और उनके जितने भी कोर्स आप देखेंगे वो सारे मार्केट डिमांड कोर्सेज होते हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और जिनका उन्हें कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। जनरली ये जो है अर्बन एरियाज में खोले जाते हैं और उन एरियाज में खोले जाते हैं जहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी होती है, यानी जहाँ के लोग जो है उसके लिए पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत कम रूरल एरियाज में जाता है या जाता ही नहीं है। वो पहाड़ों में नहीं जाएगा, ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ उसे मार्केट मिले ही ना। तो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन सप्लाई में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वहां पर एजुकेशन सप्लाई करती है जो एरियाज मैंने आपको पिछले चैप्टर में मसग्रेव के बताए थे। कौन से थे? जैसे कि इक्विटी के लिए, समाज में इक्विटी लाने के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर वहां पर जाएगा, वहां पे कॉलेजेस खोलेगा जहां पर उसको मार्केट मिलेगा या उसे प्रॉफिट होगा, और वही कोर्सेज खोलेगा जिससे उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन गाँव में कॉलेज खोलना, पहाड़ों पर कॉलेज खोलना, ट्राइबल एरियाज में खोलना, समाज में इक्विटी कैसे आएगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे समाज में इक्वलाइजेशन आता है या इक्विटी आती है। तो इस इक्विटी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। इसीलिए आपको जितने भी राजकीय महाविद्यालय मिलेंगे सारे के सारे गाँव में मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे के सारे गाँव में मिलेंगे, चाहे उनमें लॉस हो या जो है प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, वो सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल बेनिफिट के लिए वर्क करती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर वहां जाएगा, उन कोर्सेज को भी खोलेगा जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आपका प्राइवेट सेक्टर की कोई भी एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए या एक ऐसा कॉलेज बता दीजिए जहाँ फिलोसफी में एमए चल रही हो, लेकिन गवर्नमेंट में आपको हर जगह मिलेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर वहां भी जाता है जहां पर की प्रॉफिट ना भी हो रहा हो, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, ड्राइंग है, लिटरेचर है, बहुत सारी जो है संस्कृत लैंग्वेज हो गई, या बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जहाँ स्टूडेंट नंबर बहुत कम है लेकिन चूंकि वो समाज के लिए बहुत जरूरी है, प्योर साइंसेज हो गया, तो ये अपने कॉलेजेस में जर्नली वो वाले कोर्सेज भी खोलता है जिनमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होता है। इसी तरह मैंने आपको ये बताया था कि एजुकेशन में बहुत सारी एक्सटर्नलिटीज मिलती हैं या बहुत सारे पॉजिटिव फायदे मिलते हैं। तो इस पॉजिटिव फायदे के लिए गवर्नमेंट जो है वहाँ वहाँ जाकर भी स्कूल कॉलेजेस खोलती है, शिक्षा प्रोवाइड करती है जहाँ पर उसे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। इसी तरह एक्सीलेंस के लिए पैसा देती है। आज ये बजट आया है, आज ही देखिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपये जो है वो रिसर्च और इनोवेशन के लिए दिए हैं इस साल बजट में। तो ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट एक्सीलेंस के लिए काम करती है। उसे मालूम है कि जिन जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा वहां पर जाकर के गवर्नमेंट को काम करना होगा, और जब गवर्नमेंट वहां जाकर के काम करेगी तो नेचुरली है कि वहां पर जो है शिक्षा का विस्तार होगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो बहुत जरूरी है और रिसर्च के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट वहां पर काम करती है। अब आता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है। देखिए मैंने अभी बताया कि एजुकेशन का एक कॉस्ट होता है जिसे हम उसका प्राइस भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का जब आप कंसेप्ट करते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो कि इम्प्लॉय किए जाते हैं किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसे गुड और सर्विस जिसमें कोई भी रिसोर्सेज इम्प्लॉय किए जाएं जिनको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सके, उन्हें हम जो है कॉस्ट कहते हैं कि इस वस्तु के बनाने में इतना कॉस्ट लगा। अब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट का क्या मतलब है? एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट जो है दो तरह की होती है। इसमें हम फिजिकल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज शामिल करते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज से आपका क्या मतलब है? जैसे स्कूल के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, आपको जो है ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, सामान चाहिए, सारा आता है फिजिकल रिसोर्सेज। आपके एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे टीचर्स, स्टाफ, आपके चपरासी, आपके क्लरिकल स्टाफ स्कूल में, ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो एजुकेशन में जो है वो फिजिकल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज होते हैं, और ये मोनेट्री भी हो सकते हैं और नॉन मोनेट्री भी हो सकते हैं। तो एजुकेशन में जब हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा है आपका सोशल कॉस्ट। देखिए प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जिसे कि कंज्यूमर बियर करता है। अगर एजुकेशन की कॉस्ट को जो है कंज्यूमर
पेरेंट्स या स्टूडेंट्स बेयर करते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे ट्यूशन की कॉस्ट आप खुद बेयर करते हैं, तो ये कहलाएगी प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सोशल, अगर एजुकेशन की कॉस्ट को सोसाइटी बेयर करती है या गवर्नमेंट बेयर करती है, तो इसे हम कहेंगे सोशल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कि ये सोशल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है क्योंकि ये सोसाइटी ने बेयर की, क्योंकि सोसाइटी ने क्यों बेयर की, अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसा लाते हैं, वो उन टैक्स पेयर का पैसा होता है जो गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करते हैं अपनी अर्निंग से, तो गवर्नमेंट उसी को एजुकेशन पे लगाती है। तो इसलिए अगर सोसाइटी या गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन का कॉस्ट बेयर करती है, तो हम इसे सोशल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। देखिए, जो सोशल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होती है, इसमें दोनों तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट कॉस्ट भी और सोशल कॉस्ट भी। तो ये इंक्लूसिव होती है, इसमें प्राइवेट और सोशल दोनों तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो सोशल कॉस्ट को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम मॉनेटरी कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको कि मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। वो कॉस्ट जिसका हमें मनी देना पड़ता है या मनी के कॉस्ट में मेजर की जा सकती है मनी के टर्म में, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। दूसरी कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसे हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो इसमें हम शामिल करते हैं लेबर, टाइम जो आपने स्पेंड किया एजुकेशन को लगाने के लिए, लेबर जो आपने किया, वो सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी तरह की होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो हुई जैसे कि हम मनी में मेजर करेंगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला कॉस्ट आता है स्कूल फीस और एग्जाम फीस। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि आप सभी लोग स्कूल फीस देते हैं या एग्जाम फीस देते हैं। तो जब आप लोग स्कूल फीस देते हैं या एग्जाम फीस देते हैं, तो ये मॉनेटरी टर्म में देते हैं, इसलिए से हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। ठीक, इसी तरह और बहुत सारे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस होते हैं आपके जैसे कि आप देते हैं, तो उसे भी हम मॉनेटरी कॉस्ट में शामिल करते हैं, अगर उसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। इसमें कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है ट्रैवल कॉस्ट। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कॉलेज आने जाने के लिए आपका एक ट्रैवलिंग का कॉस्ट लगता है। कॉलेज आने जाने में रोज आपका खर्चा होता है। सपोज कुछ बच्चे हमारे यहाँ हापुड़ से आते हैं, कुछ दादरी से आते हैं, कुछ गाजियाबाद से आते हैं, कुछ गाँव से आते हैं, तो डेली का ट्रैवल कॉस्ट आपका इसमें लगता है, तो ये भी इसमें शामिल होता है। दूसरा लगता है आपका प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट ट्यूशन कॉस्ट। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन कॉस्ट लेते हैं, जनरली ये ट्यूशन कॉस्ट कॉलेज लेवल पर तो आपकी नहीं होती, लेकिन जब आप 11th 12th में होते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे बच्चे ट्यूशन लेते हैं, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ भी आप एक फीस देते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट ट्यूशन फीस, क्योंकि ये भी आपके मॉनेटरी टर्म में मेजर की जा सकती है, इसलिए इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है, अगर आप बोर्डिंग में रह रहे हैं, तो आपका खाने का खर्चा आपसे लिया जाएगा। इवन ये सोशल कॉस्ट है, गवर्नमेंट आपको फ्री में हॉस्टल में रख रही है, लेकिन खाने का खर्चा तो आपसे लेगी। इसी तरह अगर आप स्कूल में हैं, तो आप इवन को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको कराई जाती हैं, उनमें चाहे ड्रेस खरीदनी है या कोई और सामान खरीदना है, तो उसके नाम से आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है, तो ये भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। अब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? मैंने अभी आपको बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि वो चीजें जो मनी के टर्म में तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लेबर और टाइम जो आपने स्पेंड किया है उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। यानी कि इस टाइम में अगर आप जॉब कर सकते थे, इस टाइम में अगर आप ट्यूशन पढ़ा सकते थे, इस टाइम में आप कोई और काम कर सकते थे, और अगर आप चूंकि MA कर रहे हैं और MA में 2 साल स्पेंड कर रहे हैं, और आप इस समय चूंकि इसकी वजह से कुछ और काम नहीं कर सकते या जॉब नहीं कर सकते, तो जितना भी आपकी इनकम इसकी वजह से फॉरगॉन हुई, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एजुकेशन की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव फॉरगॉन फॉर टेकिंग अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जितने भी आपके लग रहे हैं। तीसरा, बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा जो भी आपका लग रहा है, हॉस्टल के स्टूडेंट का जो एक्सपेंस हो रहा है, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो इसमें शामिल होती है। ये सारी मैंने आपको समझा दी है, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट के अंदर, वो आता है वेस्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए वेस्टेज का क्या मतलब होता है। देखिए, वेस्टेज का मतलब है नॉन यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस।
अब नॉन यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? देखिए नॉन यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? नॉन यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी रिसोर्स को लिया और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्कूल को एस्टैब्लिश किया. एक स्कूल को एस्टैब्लिश जब हमने किया और उस स्कूल की कैपेसिटी है 500 बच्चों को पढ़ाने की या 500 बच्चों को एनरोल करने की, लेकिन उस स्कूल में केवल 250 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया, उससे ज्यादा एडमिशन नहीं लिया, जबकि हमने रिसोर्सेज क्रिएट किए थे 500 बच्चों के लिए. हमने उनके लिए बैठने की फैसिलिटी बनाई, उनके लिए कमरे बनाए, उनके लिए ब्लैक बोर्ड्स लगाए, उनके लिए सब कुछ किया. तो ये क्या हुआ कि 250 स्टूडेंट की कैपेसिटी जो है ये आपकी वेस्ट हो गई. तो दिस विल बी कॉल्ड अ वेस्टेज. ये वेस्टेज का एग्जांपल हुआ जहाँ की 500 बच्चों की अपनी कैपेसिटी थी लेकिन 500 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, 400 ने लिया, 250 ने लिया, 300 ने लिया. तो अगर 300 ने लिया तो 200 बच्चों की कैपेसिटी जो थी वो वेस्ट हो गई, हमारे रिसोर्सेज जो थे वो वेस्ट हो गए. कई बार इसी एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि इवन ऑल 500 बच्चे भी हमारे वहां पर एनरोल हो गए और पूरे स्कूल की कैपेसिटी फेल हो गई, लेकिन इसमें से 50 बच्चे ऐसे थे जो कि एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ के चले गए. मान लीजिए हमारा एजुकेशन का टाइम पीरियड है 6 से 14 साल, 8वीं तक बच्चों को एडमिशन लेना है, लेकिन बच्चों ने 500 ने एडमिशन भी ले लिया लेकिन कंप्लीट करने से पहले ही अपनी एजुकेशन को ये छोड़कर चले गए. सपोज कीजिए आपके जो है एमए में कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट की और केवल 52 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो 52 स्टूडेंट का मतलब है कि 8 स्टूडेंट की कैपेसिटी जो थी वो वेस्ट हो गई. दिस विल कम अंडर दिस एग्जांपल. इवन 52 ने एडमिशन ले लिया और मान लीजिए कि अगर जो है इसमें से 8-10 स्टूडेंट अगले साल छोड़कर चले जाए, वो बीएड करने चले जाए, उनकी जॉब लग जाए या कुछ और हो जाए और उनकी सीट भी खाली हो जाए और वो अपना टेन्योर स्टडी का पूरा ना करें, तो अगेन ये वेस्टेज में काउंट होगा कि वो अपने पूरा स्टडी को नहीं कर पाए, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो गए. तो वेस्टेज के अंदर दोनों ही तरह के वेस्ट आते हैं. देखिए इसमें मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ. 2019 की जो एशे रिपोर्ट है, एशे रिपोर्ट को कहते हैं ऑल इंडिया स्कूल हायर एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि ये कहती है कि नियरली 36% जो है इंडिया में जितना भी टोटल बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में वो बीए की डिग्री में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बीए की डिग्री में एडमिशन लेने के बाद ये बच्चे ज्यादातर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और या फिर उन्हें अगर जॉब भी मिलती है तो ऐसी मिलती है जिसमें केवल हमें 12वीं तक पढ़ाई की जरूरत है या 12वीं से भी कम, कोई चपरासी पे लग गया या कोई और किसी लोअर ग्रेड पर लग गया, तो ऐसे लैब असिस्टेंट लग गया या किसी और लोअर ग्रेड पे लग गया. तो ऐसे केस में जो एजुकेशन पर उनका एक्सपेंड किया हमने, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया, सोसाइटी ने किया या पेरेंट्स ने किया, जो भी एडमिशन उनका पूरी एजुकेशन पे पैसा लगा, उसका हम पूरा लाभ नहीं उठा पाए, तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ वेस्टेज. तो वेस्टेज जो है इस तरीके से वो कई तरह की होती है, जिसमें कि या तो रिसोर्सेज का, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि या तो रिसोर्सेज का इसमें अंडर यूटिलाइजेशन होगा या फिर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. या तो हम रिसोर्स को यूटिलाइज कर ही नहीं रहे या हम उन्हें अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. इस तरीके से जो नॉन एनरोलमेंट होगा और ड्रॉप आउट होगा स्टूडेंट्स का, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूट वेस्टेज इन एजुकेशन. तो जो नॉन एनरोलमेंट है और ड्रॉप आउट है, जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए, ये कहलाएगा हमारा वेस्टेज ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में इतना अमाउंट हमारा वेस्टेज हो गया. जिस तरह हम वेस्टेज पढ़ते हैं और वेस्टेज भी कॉस्ट का एक पार्ट होता है, उसी तरह एक और कंसेप्ट होता है जिसका नाम है स्टैग्नेशन. अब स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? देखिए स्टैग्नेशन का मतलब है कि कोई बच्चा फेल हो जाता है अपनी क्लास में और नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाता, इसलिए उस क्लास को वो रिपीट करता है. मान लीजिए कोई बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ता है, वो फिफ्थ क्लास पास नहीं कर पाया, उस क्लास में फेल हो गया और वो अगले साल दोबारा फिफ्थ क्लास को रिपीट करता है और फिफ्थ क्लास में दोबारा पढ़ाई करता है, तो ऐसे में क्या करेगा? वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, क्योंकि उसने एक चाइल्ड की सीट मार ली. जिस चाइल्ड का एडमिशन अगले साल हो सकता था, ये बच्चा उसी क्लास में है तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, तो ये वेस्टेज हो गया. अब स्टैग्नेशन में इसने क्या किया? स्टैग्नेशन में एक और चीज आती है कि अगर चाइल्ड को जितना सिखाने का हमने प्लान किया है, अगर वो उतना नहीं सीख पाता या फेल हो जाता है, सपोज कीजिए फिफ्थ का चाइल्ड है और अगर हमने उन्हें प्लान किया कि हम इतना इतना इन्हें मैथ में सिखाएंगे और चिल्ड्रन उतना नहीं सीख पाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो ये बैड प्लानिंग है हमारी, हमें सिखाना नहीं आता, या फिर स्टूडेंट की इनेबिलिटी है या कंस्ट्रेंट है लर्न करने की, स्टूडेंट को मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है या उसकी आईक्यू ही इतनी अच्छी नहीं है
कि वो फिफ्थ का मैथ लर्न कर पाए, तो या तो उसकी इनेबिलिटी हो सकती है या कंस्ट्रेंट, या वो सीखना ही नहीं चाहता, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो पढ़ाई ना करे। तो इनेबिलिटी हो सकती है, कंस्ट्रेंट हो सकती है, या फिर ये बैड प्लानिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि बच्चा सेम क्लास में रह गया है, सेम क्लास में ग्रेड कर गया है, इसलिए से कहेंगे कि वो स्टैग्नेंट हो गया है, उसकी लर्निंग स्टैग्नेंट हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है स्टैग्नेशन में, कि ज्यादातर स्टूडेंट लर्न करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लर्न नहीं करते। मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 45 बच्चे तो लर्न कर रहे हैं, केवल 5 बच्चे ऐसे हैं जो लर्न नहीं कर रहे। तो ये अगेन एग्जाम्पल है बैड मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से आपका बैड मैनेजमेंट हो रहा है और आपके रिसोर्सेज जो है वो किस तरीके से वेस्ट हो रहे हैं। तो ये अगेन एग्जाम्पल आता है आपका बैड मैनेजमेंट का। अब चाहे ये बैड प्लानिंग हो, या आपका बच्चा लर्न नहीं कर पाया या फेल हो गया, चाहे आपका बैड मैनेजमेंट हो कि कुछ बच्चे लर्न नहीं कर पाए, लेकिन टोटल ओवरऑल रिजल्ट इसका ये होगा कि हमारी एजुकेशन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, यानी कि वेस्ट हो गए हमारे रिसोर्स। तो कॉस्ट जो था वो हमारा लग गया, लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए स्टैग्नेशन को भी वेस्टेज के एक फॉर्म के रूप में ही काउंट किया जाता है, और स्टैग्नेशन को हम वेस्टेज का ही एक फॉर्म मानते हैं। देखिए अब आता है कि सप्लाई ऑफ एजुकेशन को कौन कौन से तत्व डिटरमाइन करते हैं। मैंने जब आपको डिमांड ऑफ एजुकेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसके डिटरमिनेंट्स तत्व पढ़ाए थे, कि जिस तरह से हमारी डिमांड जो है कई तत्वों पर डिपेंड करती है, उसी तरह हमारी सप्लाई भी जो है वो कई तत्वों पर डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहला तत्व जो आता है आपका, वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या प्राइस ऑफ एजुकेशन। प्राइस ऑफ एजुकेशन से आपका मतलब है कि जितना भी प्राइस आपका उस एजुकेशन को देने में लग रहा है, उसे हम जो है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको जितनी भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बताई, प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, आपकी सोशल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये सारी की सारी आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में काउंट होती है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा, वो मनी जो लोग देने के लिए तैयार हैं इस एजुकेशन लेने के लिए, जब वो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो पीपल जो भी मनी देने के लिए तैयार है, उसको हम पीएम के वर्ड में बोलेंगे, कि लोग कितना मनी देने के लिए तैयार है। इसी तरह सरकार कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, या डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कितना देने के लिए तैयार है, इसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो जब हम सप्लाई का फंक्शन देखते हैं, तो सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट, मनी जो पीपल देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट की डिस्पोजेबल इनकम या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करने के लिए तैयार है। तो ये वो डिटरमिनेंट्स तत्व हैं जो कि सप्लाई ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब आता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। देखिए, आपने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा है। डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट आपको ये कहता है कि इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है, यहाँ पर डिमांड ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ एजुकेशन है, ये आपको यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये आपका प्राइस है। प्राइस का मतलब है कि चूंकि एजुकेशन से एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मिलने की वजह से लोग इसका पी तक प्राइस देने के लिए तैयार है, या इतनी कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है। और इस पर जो है इसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो पी क्यू के बराबर होती है। अगर इससे आगे पीछे कहीं भी संतुलन होगा तो वो आपका संतुलन नहीं होगा, बल्कि वो संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। तो जिस तरीके से आप जो है इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई के कर्व को काट करके इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ठीक इसी तरह इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में, जहां पर एजुकेशन की डिमांड हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका एक रेट्स ऑफ रिटर्न होता है, इससे हमें जो है कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। तो जब यूटिलिटी मिलती है, लाभ मिलता है, तो लोग इसके लिए कुछ पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो जिस लेवल तक लोग मनी देने के लिए तैयार हैं, उस डिग्री को लेने के लिए या उस एजुकेशन को लेने के लिए, और जो उसका सप्लाई कॉस्ट है, यानी कि जिस रेट पर वो मार्केट में मिल रही है, वो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम होता है। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो नेचुरली है कि प्राइस बढ़ जाएगा, अगर हमारी डिमांड कम होगी तो नेचुरली है कि प्राइस घट जाएगा। तो सेम उसी इक्विलिब्रियम के साथ ये काम करती है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो ये था आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एजुकेशन। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब